नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लोगों ने सहारा में इन्वेस्टमेंट क्यों किया, इसका क्या रीज़न था कि लोगों ने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हमारे सहारा को दिया। तो मैं आपको बताता चलूँ, जब 1978 में हमारी ये स्टार्टिंग हुई थी सहारा की, तो उस समय सारा श्री और केवल दो लोगों के सहयोग से इस कंपनी की नींव रखी गई थी। और ये धीमे धीमे ये कारवां इतना बड़ा होता चला गया जिसको किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लंबा पहुंच जाएगा और सबकी जबान पे केवल सारा इंडिया परिवार का नाम होगा। उसने अपनी छवि को इस तरीके से बरकरार रखा कि उसने जो भी कमिटमेंट किए उस समय से और उसको उसने पूरा किया। यद्यपि कुछ इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को देने के बाद भूल भी गए और वो इन और उसकी पासबुक या उसके बॉन्ड्स लोगों पास पड़े रहे और कभी उनको ध्यान आया तो सारा इंडिया परिवार ने उस पे भी पेमेंट किया कि भाई चलो आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप आओ आपका जितना भी पेमेंट जमा है या जितनी भी चीज़ें आपकी हैं हमारे पास, हम आपको उसको विथ ब्याज आपको वापस करेंगे। और सारा ने ये किया तो लोगों का एक ट्रस्ट जो था वो इतना बढ़ गया कि उस समय जो भी कंपनियां आई सब निगेटिव हो गई। उसका दूसरा रीज़न ये भी रहा कि वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था या हमारा जो उस पे आरओआई लग रहा था वो बैंकों से या प्राइवेट सेक्टर से किसी भी कंपनी से ले ले तो वो ज़्यादा था। तो लोगों को ये भी लगा कि भाई हमारा किसी भी जगह पे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक में भी अपना पैसा रख रहे हैं, तो हमें उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और हम अगर यहाँ पे चलाते हैं चाहे वो आरडी के माध्यम से हो चाहे एफडी के माध्यम से हो, उसको रिटर्न बहुत अच्छे मिले। और सारा श्री ने जो स्टार्ट किया कंपनी अपनी और उस पे जो जो मतलब इन्वेस्टमेंट हुए उसको समय से पूरा भी किया। इन्वेस्टर का जिस दिन का पेमेंट होता उस दिन उसको पेमेंट मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट लोगों को इस बात पे हुआ कि जिस तरीके से ये कारवां सोचा था कि वो धीमे धीमे बनेगा, वो इतना कारवां तेज़ी से बनता चला गया कि हम लोग को या सारा श्री को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हज़ारों की संख्या में जो इन्वेस्टर या हमारे जो मतलब एडवाइज़र्स काम करेंगे तो उनकी एक संख्या एक सीमित रहेगी। लेकिन यहाँ पे तो ये देखा गया कि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई और ये सारा ने कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो यही रही, यहाँ पे केवल माउथ पब्लिक सिटी होती रही। अब माउथ पब्लिक सिटी से ही सारे इंडिया परिवार एक ऐसा कैपिटल बन गया कि किसी की भी जबान पे अगर आप बोल दें सहारा का तो फट से बोलता था कि मैं इस कंपनी में जानता हूँ और इसमें मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो लोगों के ट्रस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया। और यहाँ पे हमारी कोई भी जो स्कीमें थी वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल, मतलब कहने को हमें 10 10 साल या 15 15 साल की भी स्कीमें थी। और लोगों ने अपने हिसाब से जो जिसकी कैपेसिटी थी उसने अपने हिसाब से आरडी या एफडी में इन्वेस्ट भी किया और उसको अच्छे रिटर्न्स भी मिले। तो कहने की बात यह है कि एक एक तरीके का ये सिक्का ऐसा बन चुका था, ब्रांड हमारा ऐसा सिक्का बन चुका था जो कि लोगों की नाम जुबान पे था। अगर किसी से भी कोई कह दिया जाता कि इस पे इतना इन्वेस्टमेंट करना है आप इस पे कर सकते हैं आँख बंद करके, तो इन्वेस्टर उस पे आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देता था क्योंकि उसको लगता था कि जो भी समय मेरा पूरा होगा तो उस समय मेरे को ये पेमेंट मिल जाएगा, और ऐसा होता भी था। लेकिन इधर करीब 2012 और 13 के बाद से जब से सेबी ने हमारे इंटरफेयर हुआ सारा और सेबी का, उस वजह से वहाँ पे पेमेंट का डिलेशन शुरू हुआ और धीमे धीमे पेमेंट्स बंद हो गए। और आज हालात ये है कि 2012 और 13 से पेमेंट जो भी डिले हैं सब आज भी पड़े हुए हैं, किसी को भी पेमेंट नहीं मिल पाया है। तो ये आने वाले समय में जो भी इस पे डिसीजन होगा या जो भी नई न्यूज़ होगी ये आपके सामने मैं रूबरू होके एक बार फिर से आपसे डिस्कशन करूँगा। और आपको कोई भी चीज़ें अगर आपको लगती हैं तो आप मेरे को कमेंट्स करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में उस चीज़ों के विषय में पूछ सकते हैं, या कोई अपनी बात अगर अपना रखना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में रख के आपको रखिए, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर आपको आंसर दूंगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। दोस्तों धन्यवाद। नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पर
आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपसे मैं कुछ नई चीज़ें शेयर करता हूँ। तो नई चीज़ों में हमारे पास सबसे पहली बात आ रही है, एक जो सारा के पेमेंट्स की, वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सारा और सेवी का ये जो प्रकरण 2012 और 13 से जो चल रहा है, धीमे धीमे इस पर कुछ चीज़ें हद तक कुछ सही हुई हैं, जो कि पेमेंट जो हैं इन्वेस्टर को उनके मिलने शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन अभी उस पर फिर से थोड़ा सा एक बाउंडेशन आ गया कि जो इस समय कोविड का जो चल रहा है पूरा, मतलब जो पूरे सिटी में या पूरे, मतलब हम उत्तर प्रदेश की बात करें और बाहरी देशों में भी बात करें, तो हमारा जो इस तरीके जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट्स हमारे करीब मई जून के करीब होने थे वो थोड़े से डिले हो गए हैं। अब वो हमारे अक्टूबर नवंबर के करीब करीब होंगे। इस पे अभी कुछ समय पहले ही एक साराश्री ने अपना एक इंटरव्यू सारा समय पे दिया था। पेपर में भी इस चीज़ को लॉग आउट किया गया था कि मतलब इस समय ये प्रसारण किया जाएगा, तो कृपया सभी इन्वेस्टर इसको ध्यान से देखें और सुने। तो उसमें यही बात बोली गई है कि इनके जो भी अकाउंट्स हैं वो ऑलरेडी अभी भी फ्रीज हैं, और चूँकि कोविड के सेशन में वो अकाउंट्स अभी चालू नहीं हो पाएंगे, और उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि मतलब इधर पेमेंट हो जाए, लेकिन चूँकि बैंक के भी अपने कुछ समय के लिए खुलनी शुरू हुई, और बाकी रही बात पेमेंट्स की, तो वो थोड़े से ऑलरेडी आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेट हो गए हैं और पेमेंट्स करीब अक्टूबर या नवंबर तक खिंच गए हैं। अब अक्टूबर या नवंबर में जो भी डिसीजन होगा या जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने फिर से मैं एक बार आपको डिस्कशन करूँगा। तो मैटर यहाँ पे और भी चीज़ें आ रही हैं कि जो इनकी साराश्री की जो मुश्किलें हैं वो धीमे धीमे बढ़ती चली जा रही हैं, और आज जो भी पेमेंट का डिलेशन हुआ फिर से बढ़ गया क्योंकि उनके अकाउंट फ्रीज हैं जो नहीं खुल पाए। और बात एक और भी उठ रही थी कि इन्वेस्टर मतलब इस समय इतना ज़्यादा परेशान है, तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी आई थी कि लग रहा था कि पेमेंट से कहाँ से करेंगे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ एक सामने रख दी है कि जितना भी पेमेंट्स मेरे को करना है या मेरे को जितना पेमेंट देना है उसका 3 गुना मेरे पास एसेट्स हैं, और मैं चाहूँ तो उसको तुरंत ही पेमेंट सारे करवा दूँ। लेकिन चूंकि हमें भी आरबीआई की या सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम करना है, तो इसलिए वो थोड़ी चीज़ें डिले हो गई हैं, और उसी डिलेशन के लिए उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था कि सारे इन्वेस्टर इसको सुने समझें और उस पर थोड़ा सा फोकस भी करें, क्योंकि जो चीज़ें फैली हुई हैं उसमें आपका भी बस नहीं है, हम लोग का भी नहीं है। तो जिस तरीके से गाइडलाइन नई नई जारी हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें भी काम करना है, हम उस गाइडलाइन से अलग होकर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैच्योरिटी को थोड़ा डिले कर दिया गया है। तो ये आगे आने वाले समय में ही मालूम होगा कि मैच्योरिटी किस तरीके से होंगी, लेकिन आपको बताते चलें कि जो सारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन की जो स्कीमें थी उनके कुछ के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं, कुछ इनकी प्रॉपर्टी जो विदेशों में थी उसकी भी सेल आउट की बात चल रही थी, लेकिन अब वहाँ पे जो भी ख़रीदार मिल रहे हैं वो उसकी कॉस्टिंग से भी कम पेमेंट दे रहे हैं। तो साराश्री इस चीज़ पे राज़ी नहीं है, मतलब कि इस पे राज़ी नहीं है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को एक कम रेट पे बेच कर हम लॉस उठाएँ। तो उन्होंने उस पर भी अभी ब्रेक लगा दिया है कि जब तक हमको उसका सही रेशियो में एवरेज में पेमेंट नहीं मिलता है तब तक मैं उसको कोई भी सेल आउट नहीं करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि धीमे धीमे मुसीबतें कम होने का नाम ना लेके बल्कि बढ़ ही रही हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें अटकलें ऐसी आ जाती हैं कि हमारे पेमेंट जो होने होते हैं उसे फिर से कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि हमारे पेमेंट डिले हो जाते हैं। अब चूँकि जो पेमेंट स्टार्ट होने थे तो चूँकि कोरोना की महामारी की वजह से फिर से ये सारे पेमेंट्स हमारे ऑलरेडी लेट हो गए। तो इसको भी अभी देखा जाए तो अभी 4-5 महीने के हमारे आगे बढ़ गए हैं। अब आगे वाले समय में इसमें क्या होगा, कैसे होंगे, ये तो आगे जो भी न्यूज आएगी मैं आपके सामने उस चीज़ को एक बार फिर से रखूँगा। और आपको ये भी बताता चलूँ, जो सारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के जो लाइसेंस था वो भी निरस्त कर दिया गया है कुछ समय पहले, क्योंकि उस पर भी इन सेबी को लग रहा था कि उस पर जो भी मतलब हमारा डिपॉजिट हुआ है वो सब एक तरीके से इलीगल है। तो और भी कुछ चीज़ें इनकी
कहीं कहीं ऑफिस और भी बंद हुए हैं, रियल इस्टेट पे भी बड़ा इनको तगड़ा झटका लगा है कि इनके जो प्लॉटिंग थी जो कि चल रही थी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, और जो इन्वेस्टर को इन्होंने देना था मतलब पजेशन देना था वो भी नहीं दे पा रहे हैं। इन्वेस्टर भी अपने पजेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन वो भी उसको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा देखा जाए तो अगर देखा गया है कि इसने करीब इन्वेस्टर हमारा बहुत ज़्यादा पिस किया है, उसका सारा अमाउंट इस समय फंस चुका है, होल्ड हो चुका है, इसको कहीं से भी मिलने की अभी कोई भी आशा नहीं दिखाई दे रही है। और ये इन्वेस्टर एक बहुत लंबे अमाउंट का है, अब इसको सारा श्री किस तरह मैनेज करेंगे और किस तरीके से पेमेंट करेंगे, तो ये नई जानकारी मेरे को जैसे भी अवेलेबल होती है तो मैं आपको एक बार फिर से आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।